जी हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त अंकित वर्मा। आज की इस न्यू वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के बताने वाला हूँ, जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे बना हुआ है, यानी कि YT एडिटर से तुरंत पता कर सकते हैं कि आपका वीडियो कब वायरल होगा। जी हाँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो पसंद करते हैं वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अपनी मोबाइल की स्क्रीन को हम यहाँ पे देख सकते हैं अनलॉक कर दिया है, तो जैसे हमारा अनलॉक हो गया है तो हमने YT पर मैंने क्लिक करता हूँ। जैसे YT क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे 401 सब्सक्राइबर हमने कंप्लीट कर चुका हूँ। आज के डेट में नवंबर महीने में हमने 401 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि आपका YT आपको वीडियो को वायरल कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको देखना है व्यूज सबसे पर मैंने क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए व्यूज का ग्राफ, यहाँ पे देखिए आपका व्यूज का ग्राफ गुड का निशान लगा हुआ है, वाच टाइम का गुड का निशान लगा हुआ है और सब्सक्राइबर भी गुड का निशान लगा हुआ है, यानी कि आपके ये तीनों सेक्शन पे आपका ग्राफ ऊपर साइड में है। तो अदरवाइज आपके चैनल पे अच्छा खासा व्यूज और अच्छे खासे वाच टाइम और अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिल रहा है। जो आपका छोटा यूट्यूब चैनल है तो इसके हिसाब से आपका यूट्यूब वीडियो चैनल वायरल हो रहा है। तो मैं तो इसको को समझ में आएगा कि ये आपके गुड में निशान में लगा है या नहीं लगा और ये कैसे लगेगा। मैं तो यहाँ पे देखिए कांटेक्ट पर मैंने यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये हमारा कांटेक्ट सेक्शन ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट व्यूअर पे मैंने क्लिक किया, मोस्ट व्यूअर पे, तो यहाँ पे देखिए आपके यूट्यूब चैनल पे जिस वीडियो पे ज्यादा व्यूज आया है यहाँ पे देख सकते हैं YT हिस्ट्री जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ 100% हमारे उस वीडियो पे ज्यादा व्यू देखने को मिलता है। जी हाँ, तो जैसे आप कोई भी वीडियो बना के अपलोड करिए और जिस पांच वीडियो अपलोड कीजिए और पांच में से एक वीडियो पे ज्यादा व्यूज आया है उसको आपको दोबारा री अपलोड करना है, अदरवाइज कोई वीडियो पे व्यूज कम आएगा तो उसके ऊपर ज्यादा व्यूज आएगा, जैसे उस पर आप वीडियो बना के अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखो YT हिस्ट्री से जो वीडियो आपको दिख रहा है सारे वीडियो पे हमारे ज्यादा व्यूज देखने को मिल रहा है, और अदरवाइज जिस वीडियो पे हमने कम वीडियो अपलोड किया सारा का सारा YT के वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमने YT जो वीडियो हमने अपलोड करा है उस वीडियो पर ज्यादा व्यूज आया। यहाँ पे देखिए 4 दिन पहले वीडियो अपलोड करने को है 600 व्यूज आया है, यहाँ पे देखिए 700-800 इस तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पे व्यूज आता गया है। तो मैं तो आपको करना क्या, जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए तुरंत पता चला YT आपको किस दिन वायरल करेगा। यहाँ पे 326 व्यूज आया एक दिन पहले वीडियो अपलोड किया है, फिर वहां पे देखिए नीचे और जाते हैं तुरंत पता करें YT किस दिन वायरल करेगा, यहाँ पे 400 व्यूज आया। तो इस वीडियो पे ज्यादा व्यूज आया इसके खातिर हमने ये वीडियो दोबारा अपलोड किया है। तो ये मैं तो 4 दिन हो गया है, यहाँ पे देखिए 4 दिन में 400 व्यूज आया है और इसमें एक दिन में 400 व्यूज आया है, एक दिन में 400 व्यूज आया है। तो ये 4 दिन में और जब इस पे 1500-1600 व्यूज इस पे आ जाएगा। और यहाँ पे फिर दोबारा देखिए, यहाँ पे देखिए सिर्फ 100 व्यूज आया, 8 दिन पहले वीडियो अपलोड किया है इस पे सिर्फ 100 व्यूज आया है, और यहाँ पे देखिए 300 व्यूज आया है 9 दिन पहले वीडियो अपलोड करने को हुआ है। तो आपको इस तरह से अपने वीडियो को अपलोड करना है, आप एक टॉपिक को पकड़ के चलना है जब तक वो वीडियो वायरल फीड में ना चला जाए। जी हाँ, तो जैसे आप जिस टॉपिक पर काम कर रहे हैं उस टॉपिक को पकड़ के चलना है जब तक वो वीडियो वायरल फीड में ना जाए। आप यूट्यूब खुद रिकमेंड करेगा उस वीडियो को, ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा के भेजेगा, उस पर ज्यादा व्यूज देखने को आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपको अपने यूट्यूब चैनल पे काम करते हुए आगे बढ़ना, तब आपके चैनल ग्रो और वायरल होगा। तो ये आपको मालूम पड़ गया होगा। जैसे मैं लाइव प्रूफ में दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर क्या क्या ट्रिक लगाते हैं। ये हमारे यूट्यूब ओपन हो गया है, तो मैंने क्रिएटर सर्च पॉइंट 2 पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया है और इनके चैनल पे मैंने क्लिक करता हूँ एक बार और वीडियो पे मैंने क्लिक किया, इस पे 12 लाख सब्सक्राइबर है मेरे, तो 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त 7 दिन के अंदर इनके चैनल पे कितना वीडियो पे व्यूज आया है 42,000, और मैं इनके पॉपुलर वीडियो पे मैंने क्लिक करता हूँ वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, यहाँ पे देखिए वीडियो अपलोड करने का सही तरीका 5 मिलियन, सब्सक्राइबर 3 मिलियन, फिर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका 3 मिलियन, यहाँ पे सब्सक्राइबर का 2 मिलियन, वीडियो अपलोड करने का सही तरीका 2 मिलियन, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए 2 मिलियन, YT कैसे ला 1 मिलियन, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए वीडियो अपलोड कैसे करें, यानी कि इनके चैनल पे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए और वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, इन ये दो टॉपिक पे अगर ये वीडियो बना रहे हैं तो इनके चैनल पे अच्छा खासा व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए अभी लेटेस्ट वीडियो यहाँ पे अपलोड किया है, वीडियो अपलोड कैसे करें 42,000 व्यूज आया, और अदरवाइज और कोई वीडियो पे अपलोड किए हैं तो इसमें सिर्फ 20,000 से आगे कोई सी भी वीडियो पे व्यूज नहीं गया है, 29,000 गया है, 50,000 गया है, सब्सक्राइबर वाला बटन वीडियो पे देखिए 57,000 व्यूज गया है, अदरवाइज कोई वीडियो पे व्यूज ज्यादा नहीं गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे पे 10,000-20,000 गया है और सब्सक्राइबर पे 38,000 गया है,
तो आपको ऐसे करना है, जैसे कि जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे उस पर ज्यादा व्यूज आता है, आपको उसी के ऊपर वीडियो बना के अपलोड करते जाना है। 100% आपका चैनल पे ज्यादा व्यूज आएगा और वाच टाइम भी ज्यादा बढ़ेगा, आपका सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा। 1000 सब्सक्राइबर 4000 वाच टाइम घंटा आप एक ही वीडियो से पूरा कर सकते हैं, अदरवाइज कोई वीडियो वारे में चली गई। तो यहाँ पे देखते हैं जिस वीडियो पे उन्होंने ज्यादा इनके चैनल पे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए और वीडियो अपलोड कैसे करें। इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं तो इनके चैनल पे ज्यादा व्यूज आता है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं तो देखते हैं हमारे पे YT स्टूडियो में कोई भी वीडियो बना देता हूँ तो उस पर ज्यादा व्यूज आता है, अदरवाइज कोई वीडियो बनाता है। यहाँ पे देखिए 4 व्यूज खाली आया है, शॉर्ट वीडियो में 12 व्यूज आया है और YT में देखिए 40 व्यूज आया है। यहाँ पे देखिए यूट्यूब वीडियो अपलोड कैसे इसमें 23 आया है, इस पर देखिए 400 आया है, इस पर देखिए 400 आया है, इस तरह से देखिए 10-15 व्यूज आया। तो इस तरह से आपको अपने वीडियो पे अपने चैनल पे काम करते आगे बढ़ते जाना है तो 100% उस वीडियो पे ज्यादा व्यूज आएगा। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको कौन सा वीडियो अपलोड करना है, तो आपको कैसे करना है, एनालिसिस पर मैंने क्लिक करता हूँ, जब आप मालूम पड़ कर पाएंगे कि आपका कौन सा वीडियो वायरल में जाएगा। तो मैंने एनालिसिस पर क्लिक किया है और यहाँ पे देखा इंटरेस्टिंग, इस पर क्लिक करना। जैसा आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए मैं तो हाउ टू इंक्रीज व्यूज एंड सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब जो टॉप सर्च दिए गए हैं, हाउ टू ग्रो मोर सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, हाउ टू प्रमोट योर वीडियो यूट्यूब चैनल 2024। तो ये टॉप सर्च आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो जिस जो आपके सब जो जिस टॉपिक का कैटेगरी है, जिस टॉपिक का चैनल है, उस टॉपिक के हिसाब से यहाँ पे कुछ सर्चेबल कंटेंट दिए गए, यानी टाइटल दिए गए। अगर आप इस वीडियो के ऊपर ये जितने टाइटल दिए गए इसके ऊपर आप वीडियो बनाकर अपलोड कर दीजिए, सारे चैनल के सारे टाइटल के ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए। उसके बाद आपको उसके अंदर से रिसर्च करना है कि आपके किस टाइटल पे ज्यादा व्यूज आया है, आपको दोबारा उसके ऊपर फिर वीडियो बनाना है। अदरवाइज उस पर वीडियो पे ज्यादा व्यूज आता है तो आपको दोबारा फिर उसके ऊपर वीडियो बनाना है, अदरवाइज कोई वीडियो पे वीडियो नहीं बनाना है तो आपको उसके ऊपर वीडियो पे व्यूज ज्यादा आएगा। यहाँ पे देखिए रिसेंट पे मैंने क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 57,000 व्यूज आया है, 1,02,000 व्यूज आया है, 29,000 आया है, 42,000 आया है। तो यहाँ पे कुछ रिसेंट वीडियो दिया गया है तो मैं तो आपको इसके अंदर से जो वीडियो ये जो जिस टॉपिक का वीडियो है आपका उसी टॉपिक का चैनल है तो मैं तो ये सारे वीडियो के ऊपर ज्यादा व्यूज आया है। तो आपको इसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के अपलोड करते जाना है, 100% आपके वीडियो पे ज्यादा व्यूज आएगा। तो मैं तो वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये आपका पहला सेटिंग हो गया है, यहाँ पे रिसेंट से आप देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो हमें अपलोड करना है, तो सर्च से भी देख सकते हैं कि हमको कौन से टाइटल के ऊपर वीडियो बनाना है। उसके बाद आपको जाना है कंटेंट पे, यहाँ पे देखिए आपके जो ऑडियंस है, अगर आपके वीडियो पे नोटिफिकेशन से बीच नहीं आता है तो आपको देखना है ऑडियंस कि आपके ऑडियंस कौन कौन सा कीवर्ड सर्च करते हैं। यहाँ पे देखिए हाउ व्यूअर फाइंड योर वीडियोस, यहाँ पे देखिए हमारे चैनल पे ब्राउज फीचर से ज्यादा व्यूज आता है, यानी कि लोग हमारे वीडियो को थंबनेल को दो लोग देख देख के क्लिक करते हैं, यानी कि हमारे वीडियो का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, रिटर्न व्यूअर के पास, यूनिक व्यूअर के पास जाता है और लोग थंबनेल को देख के क्लिक करते हैं और हमारे वीडियो पे व्यूज आ रहा है। और हमारे चैनल पे यहाँ पे देखिए जो कंटेंट सजेस्ट जो वीडियो पे जिस बंदे ने आपकी वीडियो को वॉच किया है वो कौन सा वीडियो को देख रहा था, पहले कौन सा वीडियो को देख रहा था वो यहाँ पे सेटिंग पे दिया जाए। इस पर क्लिक करेंगे तो अगले 28 दिन के अंदर या फिर अगले 7 दिन के अंदर या फिर 48 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमने 48 घंटे पर मैंने क्लिक किया है, यानी कि 2 दिन के अंदर। यहाँ पे देखिए लाइव सब्सक्राइबर कैसे देखे, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, वीडियो कैसे डाउनलोड करें, इस तरह से लोग वीडियो देख रहे थे। उसके बाद ये हमारा वीडियो को लोगों ने देखा, मैं कैसे किया, ये 4000 वाच टाइम घंटा, तो ये सारे लोगों ने देख रहे थे तो वो हमारे वीडियो को वॉच किए हैं। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि आपको इसके ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड करना है तो आपका वीडियो पे ज्यादा व्यूज देखने को मिलेगा क्योंकि आपके सब्सक्राइबर ये वीडियो को देख रहे ज्यादा देख रहे हैं। तो ये आपको मालूम पड़ेगा। फिर आपको देखिए टॉप सर्च यानी कि यूट्यूब सर्च स्ट्रीम, आपके सब जो सब्सक्राइबर है A to Z जितने सब्सक्राइबर होंगे 1000, 2000, 500, 400, तो वो सब्सक्राइबर कौन सा कीवर्ड को सर्च करते हैं आपके अपने यूट्यूब पर वीडियो चैनल पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो कीवर्ड आपको दिख रहा है 48 घंटे के अंदर किस टॉपिक पर वीडियो बनाए, YT2 कैसे यूज करें, लोगों ने सर्च किया 48 घंटे के अंदर, तो ये वीडियो के ऊपर अगर आप वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो आपके वीडियो पे ज्यादा व्यूज आएगा, आपका वीडियो वायरल जाएगा। आप ऐसे पता कर सकते हैं कि हमारा YT2 कब वायरल करेगा, तो ये आपको मालूम पड़ गया होगा। तो हमको इसी तरह से अपने वीडियो को यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाकर अपलोड करना है। तो मैं तो वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त अंकित वर्मा टेक पॉडकास्ट पर जय हिंद, वंदे मातरम।